नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के बाद बिहार की सियासत पर उबाल है। दया प्रकाश सिन्हा, जो कि एक वरिष्ठ लेखक और नाटककार है जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है, उन्होंने सम्राट अशोक पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ये तक कह दिया कि दया प्रकाश सिन्हा का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीतन राम मांझी लिखते हैं कि कुछ लोग सम्राट अशोक का अपमान सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि वह पिछड़ा जाति से थे। ऐसे सामंती लोग नहीं चाहते कि कोई दलित आदिवासी पिछड़ा का बच्चा सत्ता के शीर्ष पर बैठे। महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह है कि हमारे शौर्य के प्रतीक सम्राट अशोक पर टिप्पणी करने वालों का पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाए। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कल एक बयान दिया था कि ऐसे लोगों का पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए। आप सबसे पहले उनके बयानों को सुनिए। प्रियदर्शी, सम्राट अशोक मौर्य बृहत और अखंड भारत के निर्माता थे और उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक धरोहर। वैसे व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना यह कतई सहनीय नहीं, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल अगर करता है तो वो विकृत विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है। नई संस्कृति, देश की नई संस्कृति, नई सभ्यता लिखना, ये कहीं से स्वीकार्य नहीं। और जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जिन्होंने भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य के बारे में किया है उनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो वापस लिया जाना चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों से पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार वापस लिया जाए। आपको बता दें कि दया प्रकाश सिन्हा ने असल में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की थी और कहा कि इन्होंने अपने शुरुआती दौर में कई सारे पाप किए हैं। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी से नेता है, लेकिन बाद में सुशील मोदी ने इन बातों का खंडन किया और कहा कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके इस बयान पर सभी पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सभी पार्टियों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में ललन सिंह और जीतन राम मांझी के भी बयान सामने आए हैं। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।